जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टार क्रिकेटर विराट सोलंकी को जो है आज बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि शिवाज सिंह ओबरॉय ने जो है इवेंट के बीचों बीच अपनी टीम सुपर स्मैशर्स के कप्तान विराट सोलंकी के ऊपर हाथ उठा दिया। मिस्टर ओबरॉय, पहले आपने विराट सोलंकी जैसे मशहूर क्रिकेटर को 20 करोड़ रुपए में खरीदा और फिर अपनी टीम के जर्सी लॉन्च इवेंट में उन पर हाथ उठा दिया, आखिर क्यों? विराट सोलंकी देश के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनसे पंगा आपके लिए महंगा पड़ सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि इसका बुरा असर आपकी टीम सुपर स्मैशर्स पर भी पड़ेगा? मिस्टर ओबरॉय, क्या आपके गुस्से की वजह आपकी एक्स वाइफ मिस अनेका का विराट सोलंकी के साथ रैंप वॉक पर चलना था या फिर आपकी विराज के साथ कोई निजी दुश्मनी? अनिका जी, आप विराज सोलंकी को कब से जानती और आपका उनके साथ रिश्ता क्या है? से आप उनके साथ रैंप वॉक क्यों कर रही थी, वो भी अपने एक्स हस्बैंड शिवाय सिंह ओबरॉय के इवेंट में? और हमें तो पता लगा है शिवाय सिंह ओबरॉय ने दूसरी शादी की है, तो फिर आपका उनके साथ क्या रिश्ता? Okay, that's enough. जो पूछना है मुझसे पूछे, अनिका से नहीं। तो फिर आप ये भी बता दीजिए कि आपने विराज सोलंकी के ऊपर हाथ क्यों उठाया था? कहीं इसकी वजह आपकी एक्स वाइफ अनिका जी तो नहीं है? कहीं आपको अपनी एक्स वाइफ का विराज सोलंकी के साथ रैंप वॉक करना अच्छा नहीं लगा? वैसे आपकी दूसरी बीवी कहाँ है? क्या यही है आपकी दूसरी बीवी मिस्टर ओबरॉय, जो इस वक्त आपकी फैमिली के साथ यहाँ आई है? तो ओबरॉय, आपने अभी तक अपनी दूसरी बीवी के बारे में प्रेस स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है कि आपकी दूसरी शादी हुई भी है या नहीं। और अगर की भी है तो आपकी दूसरी बीवी कौन है? बताइए मिस्टर ओबरॉय, कौन है आपकी बीवी? अनिका या मिस्टर ओबरॉय? बताइए मिस्टर ओबरॉय, कौन है आपकी बीवी? बताइए मिस्टर ओबरॉय, कौन है आपकी बीवी? कौन है अनिका के साथ? बताइए मिस्टर ओबरॉय, बताइए मिस्टर ओबरॉय, कौन है आपका? बताइए मिस्टर ओबरॉय, क्योंकि आपका अभी तक अनिका के साथ डिवोर्स नहीं हुआ है। बताइए मिस्टर ओबरॉय, आपको बताना पड़ेगा। आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देता, मेरी बीवी पूजा है। भैया को क्या हो गया? पता है रुकिए, रुकिए, भाभी आप कहाँ जा रही हैं? मुझे आना ही नहीं चाहिए। शिवो, मैं अभी कहा ना कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं ये कह रहा था कि पूजा मेरी बीवी है लेकिन नकली है। नकली बीवी, इसका क्या मतलब हुआ मिस्टर ओबरॉय? जो पंडित नकली, मंत्र नकली, शादी बिना गठबंधन के, बिना मंगलसूत्र पहनाए, बिना सिंदूर भरे हुई हो, तो उसे क्या कहेंगे? नकली कहेंगे ना? कल भी मेरी बीवी अनिका थी और आज भी मेरी बीवी अनिका है। अगर ऐसा है तो अनिका जी आपकी फैमिली के खिलाफ क्यों गई और आप दोनों अलग क्यों हुए? फैमिली के खिलाफ कि क्या बोल रहे हैं? मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूं, एक बार और कहता हूं, अनिका और मेरे बीच जो है वो हमारा है। और इसलिए इस बारे में मुझे किसी को भी, आई मीन किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। डू यू गेट दैट? तो फिर मिस पूजा जी का क्या? हाँ हाँ शिवाय, भले ही ये शादी नकली थी लेकिन मैंने आपको अपना असली पति माना है
पर इस शादी को भी असली माना। तुम्हें ड्रामा करने का इतना शौक है ना, तो स्टेज पर जाकर करो, मेरी जिंदगी में नहीं। बिल्कुल सही कहा शिवाय। जब तुम पहली बार घर आई थी ना, मैंने तुम्हें कहा था वापस चली जाओ इससे पहले भैया आ जाए। नहीं गई, अब भुगतो। तो फिर आपने नकली शादी क्यों की? की नहीं, करनी पड़ी। मेरी बुआ की वजह से, उन्होंने मुझे इस लड़की से शादी करने पर मजबूर किया, ब्लैकमेल किया, और इसीलिए मैंने इस लड़की से शादी की। ये उनकी एक चाल थी। बुआ की चाल? मतलब शिवाय की शादी जो बुआ ने मुझे दिखाई थी वो एक नाटक था और मैंने उसे सच मान लिया। देखो मुझे लग रहा है टाइम आ चुका है कि तुम अपना ड्रामा खत्म कर लो, ठीक है? चुपचाप चली जाओ नहीं तो जेल जाओगे। ओ गॉड, क्या प्लान किया था और क्या हो गया, कुछ सोच पूछा? वरना अब तक जितनी भी मेहनत की है सब बेकार चली जाएगी। हेलो, मैं कह रहा हूँ पुलिस लेके जाएगी, जाओ। लगता है अब चुटकी वाला पत्ता फेंकना ही पड़ेगा। आपकी बुआ ने सिर्फ आपको ही नहीं मुझे भी ब्लैकमेल किया था। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अनिका की बिछड़ी हुई बहन चुटकी हूँ। और अगर मैं अनिका दीदी की भलाई चाहती हूँ तो मैं आपसे शादी कर लूँ। मैंने सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि मैं अनिका दीदी की भलाई चाहती थी। अनिका दीदी, मैं ही आपकी चुटकी हूँ, मैं चुटकी हूँ। एक मिनट, इम्प्रोवाइजेशन में भी तुम्हारा कोई जवाब नहीं। एक नाटक चला नहीं तो दूसरा शुरू कर दिया। मैं नाटक नहीं कर रही, मैं छुटकी हूँ। हाँ तुम छुटकी हो तो मैं भी टॉम क्रूज हूँ। शायद जानती नहीं तुम किससे डील कर रही हो। रॉय सिंह ओबेरॉय नाम है मेरा। तुम्हें क्या लगता है इतने दिन तुम मेरे घर में रही, मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक नहीं करवाया? क्या हो, कौन हो, हमारे घर में क्या कर रही हो, मुझे सब पता है। तुम अनिका की बहन नहीं हो, चुटकी नहीं हो तुम। नहीं अनिका दीदी, नहीं चुटकी, नहीं चुटकी हूँ। रियली? तो साबित करो, साबित करो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, साबित करो कि तुम अनिका की बहन हो, साबित करो, कम ऑन, कोई तो सबूत होगा। क्या कोई सबूत नहीं है? हाँ, लेकिन मेरे पास सबूत है कि तुम अनिका की बहन नहीं हो। क्योंकि मैं जानता हूं अनिका की बहन कौन है। अनिका की बहन इसी पार्टी में मौजूद है। मेरी चुटकी यहाँ पे। तुम्हारी चुटकी यही है। कहाँ है, कौन है वो? शिवा, मेरी चुटकी कहाँ है? मेरी चुटकी Thank you.
बहन है हमारी। गौरी, गौरी मेरी चुटकी। याद है जब मैं तुम्हें पहली बार तुम्हारे घर ले गया? वो देख रहे, वो बेड देख रहे, उसमें मैं और चुटकी, मैं और चुटकी से गरम गले लग गए। सुनते तुमने मुझे चुटकी के बारे में बताया था, उसकी एक तस्वीर भी दिखाई थी। मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं चुटकी को ढूंढूंगा, लेकिन इससे पहले मैं चुटकी को ढूंढ पाता चली गई। फिर एक दिन एक्सीडेंटली मुझे ओम के पास से वही तस्वीर मिली जिसमें तुम और चुटकी दोनों थे। जल्द से जल्द ईमेल करना दर्शन। थैंक यू कल्याणी मिस की फ्रेंड। ये तस्वीर, ये तस्वीर यहाँ, ये तो गौरी की बचपन की तस्वीर है। ये गौरी और ये उसकी बड़ी बहन, एक्चुअली ये दोनों बचपन में ही बिछड़ गए थे। अनिका और तब मुझे वो बात याद आई जो गौरी की माँ ने मुझसे कही। ये गौरी है, जब हमने उसे गोद लिया था ना तो उसके सामान के साथ ये फोटो भी थी, इसीलिए तो हमने इसका नाम गौरी रखा, वरना आश्रम में तो लोग इसे चुटकी बुलाते थे। चुटकी बचपन में गौरी को अडॉप्ट किया था और उसे भी चुटकी कहते थे, और इस बात को कंफर्म करने के लिए कि कहीं अनिका और गौरी बहने तो नहीं, मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया। उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये साबित कर दिया हमारी गौरी चुटकी है और अनिका और गौरी बहने। आपने मेरी बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि शिवाय मैंने डिसाइड किया था कि ये बात हम तुम दोनों को एक साथ बताएं। खुशियां, कितने सारे पल इस एहसास के साथ गुजारे। हमारी जीजी हमारे साथ थी, चुटकी आप हमारे साथ थी। तुझे पता है तभी तभी मेरी और
भगवान की नहीं बनती। जिससे भी प्यार करती हूं ना, जिससे भी, उसे मुझसे छीन लेते हैं। लड़ाई के नाते ही शंकर जी ने हमें मिला तो दिया। वो सब का तो पता नहीं, पर इस बहन मिलाप का मैं क्रेडिट चेयर भैया को देना चाहूंगा। वेल डन, बिल्कुल वो मूवी थी ना, मूवी को बताओ मूवी कौन सी थी। अमर अकबर एंथनी। हम एकदम अमर अकबर एंथनी का क्लाइमेक्स का सीन लग रहा है भाई। गॉड, बस अगर आपके पापा लोग कोई टैटू बनवा देते ना, मतलब कोई कोई त्रिशूल, कोई मूर्ति, कोई ओम, परफेक्ट परफेक्ट हो जाता। और वेल डन अनिका भाभी के डबल ब्रदर इन लॉ बन गए। और भैया आप ओके, भाईचारा डबल हो गया उसे। सही है पगली, तू रो क्यों रही है? तेरा ट्रैक भी आएगा। बस कोई बिछड़ी मामी मौसा बुआ कोई आ जाए तो ऐसे मतलब स्टोरी सबके आ रही है। चल विदिशा आती है। भाभी चुटकी। लग रहा है किसी ने एफटीवी चलाते चलाते रामायण ऑन कर दिया। राइट, कहां हम हमारे सुपर स्मैशर्स के रैंप वॉक के लिए आए थे और कहां ये बहन मिलाप हो रहा है। देखो मौका भी है, रैंप भी है, क्यों ना ओबरो मोमेंट रैंप वॉक पे हो जाए। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।